हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए कलेक्टर कार्यालय की भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन लिख रहे हैं। यदि आप भी 8वीं 10वीं और 12वीं पास हैं तो कार्यालय कलेक्टर में जो है आप भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे यहाँ कौन कौन सी पोस्ट मिल रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ चौकीदार की वैकेंसीज मिल रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके 8वीं पास है। चपरासी की वैकेंसीज मिल रही है, 8वीं पास आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सहायक ग्रेड की वैकेंसीज आपको मिल रही है, शिक्षक की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है, और लेखपाल की वैकेंसीज यानी कि अकाउंटेंट की वैकेंसीज आपको मिल रही है। यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है आपको यहाँ मिल रही है। यदि आप भी कार्यालय कलेक्टर जो भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसमें बताया, आप देख सकते हो कलेक्टर कार्यालय ने ग्रुप डी यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसीज भी आपको मिल रही है। सबसे पहले ग्रुप डी की वैकेंसीज की हम बात करेंगे, इसके बाद ग्रुप सी की वैकेंसीज आपको मिल रही है, ग्रुप बी की वैकेंसीज आपको मिल रही है कि विभिन्न रिक्त पदों पे संविदा है। तो ये जो वैकेंसीज है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस की मिल रही है, यानी कि संविदा पे ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। ये जो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी के सभी जो वैकेंसीज है वो संविदा पे है। इसके बाद जो है आपको इसमें बताया गया है कि आपको कौन कौन सी पोस्ट मिल रही है। परिचारी की यानी कि अटेंडेंट की वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज आपको पीओन की मिल रही है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आपको संदेशवाह की मिल रही है यानी कि मैसेंजर की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है। और इन सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास है। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास है केवल, और इसके लिए आपको वेतन दिया जाएगा 18,000 से लेकर 12,000 रुपये प्रति महीना आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। आपको वेतन यहाँ थोड़ा कम मिल रहा है। और इसके बाद जो है शैक्षणिक योग्यता है, आपको बताई है कि उम्मीदवार 8वीं और 10वीं पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि केवल यदि आप 8वीं पास हैं तो इन तीन प्रकार की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रथम है पीओन, पीओन के बाद है परिचारक, परिचारक के बाद जो है वैकेंसी संदेशवाह। तो इन सभी के लिए यदि आप 8वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की यदि हम बात करें तो 18 से लेकर 45 वर्ष की जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ चयन प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो सीधी आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि 8वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बेसिस पर आपको यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपको यहाँ संविदा पे नौकरी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो ये निम्न प्रकार की वैकेंसीज आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल रही है। 13 नंबर पे देख सकते हो चौकीदार की वैकेंसीज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास है, 8,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आपको मिल रही है 12 नंबर पे, अटेंडेंट की पोस्ट आपको मिल रही है, पीओन की पोस्ट आपको मिल रही है, मैसेंजर की वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो ये 12 नंबर पॉइंट में आपको तीन प्रकार की वैकेंसीज मिल जाएगी, और इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तीनों की रखी गई है 8वीं पास, 7,000 रुपये को इसमें मिलेगा। और ये जो वैकेंसीज आपको संविदा पे मिल रही है, अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं ये जो वैकेंसीज है संविदा पे है। और इसके बाद जो है आपको अकाउंटेंट यानी कि लेखपाल की वैकेंसीज मिल रही है, यहाँ देख सकते हो जनरल स्टॉक कलर की वैकेंसीज आपको मिल रही है, और इसके बाद जो है अकाउंटेंट की वैकेंसीज मिल रही है। यदि आपने बीकॉम कर रखी है, एसईएस विथ 2 ईयर्स अनुभव के साथ यदि कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 12,000 रुपये आपको वेतन मिलेगा। इसके बाद जो शिक्षक की वैकेंसीज की यदि हम बात करें तो यहाँ आपको शिक्षक की वैकेंसीज मिल रही है, विशेष शिक्षक की वैकेंसीज आपको मिल रही है। और इसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज आपको मिल रही है, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और 5 साल का अनुभव है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको यहाँ बताई गई है इस भर्ती प्रक्रिया के संबंधित आज जानकारी, जो शर्तें बताई गई है। तो यहाँ इसमें बताया कि 1 जनवरी 2020 से इसमें एज की गणना की जा रही है, यानी कि अभी 2021 चल रही है लेकिन एज की गणना की जा रही है 2020 से। इसके बाद जो है आपको यहाँ कुछ और रूल्स बताए गए हैं, कितनी छूट जो है महिलाओं को मिल रही है, कितनी छूट जो है SST कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिल रही है, वो जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा फॉर्म भरना होगा, तो ये फॉर्म आपको भरना होगा जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष से, आप देख सकते हो ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है। ये छोटा सा फॉर्म है हिंदी में, यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद जो है आपको ये फॉर्म भेज देना है, ये देख सकते हो। और नोटिफिकेशन कहाँ से प्रकाशित हुआ वो डिटेल्स अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है कार्यालय कलेक्टर मध्य प्रदेश, कार्यालय कलेक्टर मध्य से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। MP का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिंडोरी मध्य प्रदेश, और ये नोटिफिकेशन अभी प्रकाशित हुआ है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन दिखाई जाती है।